एंट्री को लेकर मंथन होगा। इस दौरान तमाम जो मेहमान राजधानी लखनऊ आ रहे हैं वो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की संस्कृति को जान सके, इसके लिए बकायदा G20 को लेकर फूलों से बकायदा राम मंदिर का जो मॉडल है उसको सजाया गया है। इसके साथ साथ प्रभु श्री राम की जो कलाकृति है उसको भी फूलों से बनाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती से फूलों से भव्य राम मंदिर का मॉडल जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, ताकि मेहमान जब इधर से गुजरें तब वो इस पूरे कला का जो है नज़ारा देख सकें। और ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल राजधानी लखनऊ में G20 को लेकर जो भव्य तैयारियां की गई हैं उनका आज आगाज हो गया है। कैमरामैन राम बालास्तव, विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो देखिए तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे थे कि किस तरह की तैयारी है इस वक्त लखनऊ में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल का रुख कर लेते हैं सीधा। विशाल, क्योंकि हर एक तस्वीर आप लखनऊ से दिखा रहे हैं, अभी की किस तरह की तस्वीर है, क्योंकि नवाबों का शहर पूरी तरह से तैयार है G20 के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए, अभी क्या तस्वीर है वहां से? देखिए बिल्कुल, चूंकि G20 को लेकर राजधानी लखनऊ पूरी तरह से तैयार है और आज से बैठक शुरू हो जाएगी। अभी से कुछ घंटे के बाद G20 को लेकर जो बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और बताता हूं कि क्या कुछ खास जो है वो इस पूरे G20 सम्मेलन में। सबसे पहले आप तस्वीर देख सकते हैं कि हम इस वक्त जहाँ पर ये पूरी बैठक होनी है डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की, वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो देश हैं उनके जो झंडे हैं वो यहाँ, जो राष्ट्रीय ध्वज हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और अगर हम G20 की बात करते हैं तो G20 का जो आयोजन है वो पिछले साल जो है इंडोनेशिया में हुआ था पिछली बार, और अगले साल ब्राजील में होना, लेकिन इस बार चूंकि भारत में जो अनुकूल राजधानी लखनऊ में ये पूरा आयोजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो आयोजन है वो हाथ और तरीके आप देख सकते हैं कि ये मुख्य जो गेट है यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो हम आप तस्वीरें दिखा सकते हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर आना है, और ऐसे में देखिए एक बड़ा सा मंच जो है वो तैयार किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप का जो पूरा वो लगाया गया है, G20 की लगाई गई। अपने कैमरा सहयोगी राम बालक से चाहें कि एक तस्वीर जो है वो दिखाएं, क्योंकि अगर हम बात करें तो विभिन्न देशों के करीब 143 प्रतिनिधि जो है वो इस पूरे बैठक में शामिल होंगे, और इसके साथ साथ 9 आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक तस्वीर जो है वो दिखाएं, क्योंकि ये अगर बात करें तो अलग अलग 2 सत्र जो है उन पर चर्चा होनी है। एक बड़ा सा मंच जो है वो आपको दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं कि तमाम अलग अलग आमंत्रित देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और अगर बात करें तो लखनऊ DM भी हमारे साथ। सर, एक बड़ा गौरव का पल है, लखनऊ को आयोजन करने का मौका मिला, बैठक है, भव्य तैयारियाँ की गई। लखनऊ के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है, जब G20 के सभी डेलीगेट्स यहाँ पर अभी आने वाले हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर की जाएगी, तो ये लखनऊ के लिए बहुत बड़ा अवसर है। लखनऊ DM है, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ा गौरव की बात है। और देखिए, आपको तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो है एक बड़ा मंच जो है वो तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और पूरी तैयारियाँ जो है भव्य तरीके से कर ली गई हैं। और इसमें हम बात करें साइबर क्राइम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल शिक्षा पर अलग अलग समूहों के साथ सत्र होंगे, और इसमें भारत में हुए कामों को लेकर भी एक जो प्रेजेंटेशन है वो दिया जाएगा। और यही वजह है कि अगर हम बात करें तो इसमें 2017 में पहली बार डिजिटल इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाया गया था, उसके बाद से लगातार संगठन में डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। आपको कुर्सियाँ दिखा देता हूँ मैं, एक एक कुर्सी जो है वो आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या कुछ तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो चेयर है वो आपको दिखाई पड़ेगी, अश्विनी वैष्णव की चेयर आपको दिखाई पड़ेगी, राजीव चंद्रशेखर जी की भी चेयर दिखाई पड़ेगी, अखिलेश कुमार शर्मा जो सेक्रेटरी IT हैं उनकी चेयर दिखाई पड़ेगी, महेंद्र नाथ पांडे जो मंत्री हैं उनकी चेयर दिखाई पड़ेगी, दुर्गा शंकर मिश्रा जो UP सरकार के मुख्य सचिव हैं उनकी चेयर दिखाई पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, और फिलहाल तमाम तैयारियाँ जो हैं वो भव्य तरीके से कर ली गई हैं। तमाम यहाँ पर बस इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और वो इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 9:30 बजे का कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है। तो ऐसे में फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, और अपने आप में चाहे वो फॉरनर डेलीगेट्स हों चाहे वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो फिलहाल सभी का जो है आप तस्वीरें, एक कोशिश करते हैं कि हम एक एक तस्वीर जो है वो आपको दिखाएं, क्योंकि अलग अलग देशों के जब ठीक है विशाल आगे भी ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे अभी के